तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ये सेशन में, गुड इवनिंग। और हम लोग आज एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग अलग अलग एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो एनालिसिस के लिए ये आज का बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। और किस तरह से हम इस पूरे क्रूड ऑयल के विषय को हम लोग एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे जीवन में। और ये जो टॉपिक जो है वो हमारे इर्द गिर्द किसी ना तो किसी तरह से वो मंडराता है। जैसे जैसे हम लोग सेशन करेंगे, हम आपको इस ये आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे इस पे क्रूड ऑयल यूज़ होता है क्या, ये सोच आपके अंदर ज़रूर आएगी। और आएगी तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में डालिए कि ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो सेशन हो रहा है BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इन्वेस्टर एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। और मार्केट्स के हिसाब से इन्वेस्टर का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इन सारे सेशंस में। और ये पॉइंट पे के बेसिस पे हम लोग एक एक चीज़ यहाँ पे कवर करने की सोच रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इंडियन मार्केट्स। सो इस बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप सेशन में जुड़ते हो, आप एक एक करके फॉर्म फिल करते जाइए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो बाद में फॉर्म फिल करने के लिए। सो इस हिसाब से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार नागेश जी, रवि, निखिल, नमस्कार। अच्छा, फॉर्म फिल कर दिया, अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ हम लोग सीखने को मिलेगा ऑयल के बारे में। अगर आप बहुत कम जानकारी रखते हो तो इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, तो और बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सामने दिखने को आएगा। एक छोटा सा एक बुक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ बताई गई है ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। सो बेसिक ऑयल, बेसिक क्या है, ऑयल कैसे बनता है। सो इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि ऑयल कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद ऑयल में अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, और ओपेक का क्या रोल रहता है। बेसिकली कल का जो इन्फॉर्मेशन मिला, ओपेक प्लस का मीटिंग कैंसिल हो गया, तो उसके बेसिस पे मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, प्लस बाकी दूसरे भी विचार थे, बट वो भी एक मैटर करता है। तो चलिए हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। चलिए, ऑयल बनता कैसा है। तो बेसिकली क्रूड ऑयल हम लोग जब भी सुनेंगे, तो क्रूड ऑयल का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ऑर्गेनिक लिक्विड सब्सटेंसेस ऑफन फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। सो जो जो ये जो है हमारे जो अर्थ भूमि है, भूमि के नीचे ये क्रूड ऑयल बनता है। सो कई सालों के बाद ये मॉलिक्यूलर, मतलब आप अगर साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिली है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे और डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इसमें हम लोग जब देखते हैं तो उसका पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के वजह से पूरा का पूरा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो बदल जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कोयला और डायमंड दोनों एक ही चीज़ से बनते हैं, बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिफरेंस से एक हम लोगों को हीरा दिखता है और एक हमको कोयला मिलता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से है। सो पेट्रोलियम ये जो है रेत, क्या हम लोग रॉक्स के नीचे जो तेल है उससे जो बना है, वो हम लोग पेट्रोलियम का नाम लेते हैं। बेसिकली थोड़ा आपको साइंटिफिक चीज़ ज़्यादा लगेगा, बट इसको हम लोग और थोड़ा सा स्पष्टीकरण से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल जो है बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब
जल्दी से आग लग जाती है इसको, और उस वजह से होता कैसा है कि एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्रूड ऑयल बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, नेचुरल गैस, ये सब ऑल पैरेलली हम लोग देखते हैं एनर्जी के लिए। सो ऑयल बेसिक्स का क्या है, देखिए सो ऑयल किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स मिलते हुए ये जो है, ये इस तरह से ऑयल का हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली ये जो है भूमि के नीचे जो है, भूमि के नीचे जो है उसके नीचे टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा जब पड़ता है, सो वो जो जो जानवर है मान के चलो, या तो फिर पेड़ पौधे हैं, ये सब उस टेम्परेचर और प्रेशर जब उन चीज़ों पे पड़ता है तो वो धीरे धीरे तेल की तरह से वो बदल जाता है। तो वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जो पड़ना चाहिए उस ऑर्गेनिजम्स में, तो वो नेचुरल है। वो मतलब जब इतने सारे जो भूमि के नीचे वो जब रहती है, वो मतलब वो पूरा प्रेशर आता है, तो डेफिनेटली वो बदल जाता है। उसके भी अलग अलग साइंटिफिक रीजंस हैं, हम लोग उतना साइंटिफिक रीजंस में नहीं जाएंगे। तो ऑयल बनने के तीन कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, जो रॉक है मतलब जो पत्थर है उसमें हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहनी चाहिए। सो सबसे पहला वो है, मतलब हाइड्रोकार्बन से ये तेल बनता है, क्रूड ऑयल जो हम लोग बोलते हैं ये हाइड्रोकार्बन में बनता है। सो डीपली इनफ, इतना नीचे होना चाहिए भूमि के कि वहाँ पे आप और हम बहुत आसानी से नहीं जा सके, और प्रेशर बननी चाहिए। ये ऊपर वाला है, इसके थ्री लेयर इस हिसाब से ये पूरा बनता है, जहाँ पे देखिए ये गैस रहता है, यहाँ पे ऑयल रहता है, और ये पानी। तो इस हिसाब से पूरा जो थ्री लेयर केक बनता है, तो ये आप देख सकते हो। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन बोला है, दूसरा देयर शुड बी ए पोरस रॉक नियर बाय इन विच ऑयल कैन एक्यूमुलेट, इट इज ऑफन सैंडस्टोन। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि तेल जो बना है, वो तेल ऐसे जगह पे वो रुकना चाहिए जहाँ से वो फैले ना, वो कैच वो इधर उधर ना जाए। वो सिर्फ एक ऐसा, एक जैसे हम लोग मानते हैं कि टंकी, हम लोग पानी का टंकी हम लोग जैसे बोलते हैं, उस तरह से पत्थर का एक होना चाहिए, पत्थर में इस तरह से पत्थर होना चाहिए जहाँ पे वो तेल जो बना है वो तेल जाके वहाँ पे रुका रहे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो है, देयर इज यूजुअली ए कैप रॉक और सील टू ट्रैप द ऑयल इन द अंडरग्राउंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सीपिंग टू द सर्फेस। और एक और चीज़ होना चाहिए कि कैप रॉक मतलब पत्थरों के बीच में ये तेल बन रहा है, और चारों तरफ पत्थर इस तरह से होने चाहिए जो कि वो तेल जो बना है वो भूमि में मतलब वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, और दूसरा जो है वो स्प्रेड ना हो। तो एक हाइड्रोकार्बन्स और पत्थर होना चाहिए जहाँ पे वो तेल रुका रहे, और तीसरा जो है वो इस तरह से पत्थर से वो पूरा फैला रहना चाहिए जहाँ से वो नीचे और नीचे ना चला जाए वो तेल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, ये तेल का पूरा है, और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो पत्थर ही है। तो प्रॉपर्टीज जो है इसमें, एपीआई ग्रेविटीज, सो बेसिकली हम लोग विस्कस बोलते हैं, मतलब आप अगर आप देखोगे पानी किस तरह से, आप जब ग्लास में अगर जब पानी डालोगे तो पानी किस तरह से गिरता है आप उसका एक बार देखिए, केरोसिन किस तरह से गिरता है, खाने का तेल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो किस तरह से गिरता है, और कितना चिपचिपाहट है, ये सब चीज़ें जो है वो एपीआई ग्रेविटी और विस्कोसिटी हम लोग बोलेंगे। मतलब जितना वो चिपचिपा है वो उतना विस्कोसिटी है, उतना स्मूथली वो नीचे नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टी बताता है तेल का। तो बेसिक मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो इसमें आप देखिए, इसमें लाइट ऑयल है और इसमें हैवी ऑयल है। लाइट ऑयल में देखिए आप, इसका कलर बहुत ही पतला रहेगा और ये आसानी से नीचे आएगा, और इसमें होगा क्या, मेटल्स जो है, मेटल्स और सल्फर
बहुत कम रहते हैं, सो इसको लाइट ऑयल बोलेंगे। और जब हम लोगों को मेटल्स और सल्फर्स ज़्यादा मिला रहता है तेल, वो हैवी ऑयल है। हैवी ऑयल में मतलब होता है कैसा है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है रिफाइन करने में, मतलब ज़्यादा खर्चा है। सो लाइट ऑयल में सस्ता है और वो आसानी से वो रिफाइन हो सकता है। और हैवी ऑयल जब हम लोग बात करते हैं उसमें कार्बन, मेटल्स और सल्फर ज़्यादा रहता है, उसको रिफाइन करना ज़रूरी है, मतलब उसको छाटना ज़रूरी है, फिल्टर करना ज़रूरी है। तो हैवी ऑयल में ज़्यादा खर्चा रहता है एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज को। सो एक और भी आप देखिए, सोर और स्वीट, इसमें अलग अलग स्वीटनेस है। सो स्वीट क्रूड ऑयल ऑन द अदर हैज, यहाँ पे आप देखिए, ऑयल विथ हाई सल्फर कंटेंट इज कंसीडर्ड सोर, और बाकी स्वीट कैंडिडेट देखा जाता है, मतलब मेटल्स जहाँ पे जुड़ जाते हैं उसका जो है क्वालिटी जो है वो कम हो जाता है। तो मार्केट में आप जब भी न्यूज़ के बारे में देखोगे, क्रूड ऑयल के बारे में न्यूज़ देखोगे, तो ये चारों पे ज़्यादा बात होती है। ब्रेंट ब्लेंड, दुबई ओमान, टापिस क्रूड, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। सो ब्रेंट कहाँ मिलता है, ब्रेंट ब्लेंड कहाँ पे मिलता है, द ब्लेंड ऑफ सेवरल, तो ये जर्मनी नॉर्थ सी रीजियंस में आपको देखोगे, और यूनाइटेड किंगडम्स में आपको मिलेगा, और अफ्रीका में मिलेगा, यूरोप और मिडिल ईस्ट, ये इस तरह का ऑयल आपको मिलेगा ब्रेंट ब्लेंड। और दुबई और ओमान ये मिडिल ईस्ट में मिलेगा आपको। टापिस क्रूड ये आपको मलेशिया और ईस्ट एशियन कुछ सस्पेक्ट कंट्रीज में मिलेगा, और ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। सो आपको ये आइडिया मिलेगा, मतलब ये तेल जो है वो हर जगह पे नहीं मिलता है, ये क्रूड ऑयल जो है वो हर जगह पे नहीं मिलता है, अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशंस में ही तेल का कुछ निर्यात हो रहा है और वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक मेन पॉइंट है हम लोग जब देख रहे हैं ऑयल की बात। तो कुछ हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, चाइना में सबसे पहले ऑयल फील्ड ऑयल वेल्स का ड्रिलिंग हुआ था, बैम्बू पोल्स के साथ इसका एक्सट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह से तेल बाहर निकाला गया, और धीरे धीरे इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के बाकी सब धीरे धीरे वो उसको एक्सट्रैक्ट करने लगे। आप देख सकते हो 1918 को बेसिकली वॉमर्स आए हैं, जिससे हुआ कैसा कि वो एक्सट्रैक्शन कर सके, ऊपर वाला जो तेल है वो आराम से बाहर निकाल सके। तो ऑयल का बेसिक्स, व्हाई इज ऑल ऑयल इम्पॉर्टेंट, क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस क्यों है, तो आप देखिए क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, टायर्स, गैस, गैसोलिन, आप डिओड्रेंट जो यूज़ करते हो उसमें भी क्रूड ऑयल यूज़ होता है, MP3 प्लेयर, डाइपर्स, फुटबॉल, सो हर एक चीज़ में आप देख रहे हो, जेट ऑयल आर्टिफिशियल हार्ट बनाने में, एस्प्रिन मेडिसिन बनाने में, सिंथेटिक फाइबर, शैम्पू, लिपस्टिक्स, सो ये सारी चीज़ों में आपको दिख रहा है। तो ये इनडायरेक्टली हम लोगों को पता चल रहा है कि ऑयल हमारे डेली लाइफ से किसी ना तो किसी तरह जुड़ा ही है। तो आप देखिए यहाँ पे लिस्ट पूरा दिया हुआ है, हीटिंग ऑयल, केरोसिन, डेंचर्स, डाइपर्स, फर्टिलाइजर्स, लिपस्टिक्स, शैम्पू, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम्स, क्रेयॉन्स, जो हम लोग बच्चों को देते हैं पेंटिंग करने के लिए, क्रेयॉन्स में भी होता है, म्यूजिकल डिवाइसेस, कैमरास, कंप्यूटर्स, ग्लूज, कॉन्टैक्ट लेंसेस, टूथपेस्ट, सिंथेटिक फाइबर्स, टायर्स, आर्टिफिशियल हार्ट्स, इवन एस्प्रिंस हम लोग जो दवाई लेते हैं उसमें भी रहता है। देखिए इतने सारे है जो हमारे डे टू डे इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, बट ऑयल का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे कुछ। सो हाउ मच ऑयल डज द वर्ल्ड नीड, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, पूरे दुनिया में कितना ऑयल यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगा, मैं इसको राइट ये तो दिख रहा होगा। तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिमांड फॉर ऑयल, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ करता है। पॉपुलेशन पूरे दुनिया का 5% है यूनाइटेड स्टेट्स का, बट ये लोग 25% जो है दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन इनके तरफ जाता है, और 45% दुनिया का जो है गैसोलीन प्रोडक्शन ये यूएस के
की तरफ जाता है। और एक और चीज़ देखी गई है, जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होता है वैसे वैसे उनकी ऑयल की डिमांड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इकोनॉमीज लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इफ दे बिकम रिचर देयर इकोनॉमीज एक्सपैंड, देयर नीड फॉर मोर ऑयल विल ग्रो। तो ऑयल का बढ़ना ये एक ऑब्वियस चीज़ मानी गई है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती रहेंगी वैसे वैसे ऑयल का डिमांड हर कंट्री के लिए होता है। क्योंकि हम लोग देख ही रहे थे पहले कौन से प्रोडक्ट्स में ऑयल का यूज़ हो रहा है, क्रूड ऑयल से का यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली सभी को उसकी ज़रूरत है ही। मेजरिंग दिस इज ऑलवेज चैलेंजिंग, तो किस तरह से मेजर करें। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कौन से कंपनी को बोलते हैं? अपस्ट्रीम कंपनी वो है जो नीचे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में जो मेहनत करती है और ग्राउंड से, अंडरग्राउंड से या अंडरग्राउंड वाटर से जो गैस और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है वो अपस्ट्रीम कंपनी कहलाती है। मतलब ड्रिल करेंगे नीचे, ऐसे भूमि है, पता चला इन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने पे पता चला कि हाँ इस जगह पे तेल है, फिर तेल जो तेल बाहर निकलेगा टेस्टिंग करने पे वो लैब भेजा जाएगा क्वालिटी ऑफ ऑयल का टेस्ट करने। एक बार पता चला कि वो ऑयल क्वालिटी अच्छी है तब ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू होता है। मतलब नीचे ऑयल नीचे से ऊपर जो लेके आती है उसको, नाम से हम लोगों को आइडिया आ जाना चाहिए कि अपस्ट्रीम। सो इंडिया में कौन से कंट्री कंपनीज हैं जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं? सो रिलायंस है, ऑयल इंडिया, आपको ONGC, L&T, ये सब एक्सट्रैक्टिंग है, ये तेल नीचे से निकालते हैं। सो एक्सट्रैक्शन, इसको हम लोग अपस्ट्रीम कंपनीज बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अपस्ट्रीम सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन्वॉल्व विथ फाइंडिंग ऑयल फील्ड्स एंड ब्रिंगिंग ऑयल अप फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखिए, अपस्ट्रीम एक्टिविटीज इंक्लूड एक्सप्लोरेटरी वर्क सच एज सर्च फॉर अंडरग्राउंड और गैस रिजर्वायर्स एंड इनिशियल ड्रिलिंग फॉलोड बाय द प्रोडक्शन फेज विच इज द एक्चुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड। होपफुली फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ रहा है, हम लोग जो जो चीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं बहुत नई चीज हो रही है और बहुत कम लोगों को इसको इसका आइडिया रहता है। तो मुझे लगा कि जितना हम लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट, जो ऑयल से रिलेटेड हम लोगों को जो भी न्यूज़ आएगा तो वो हमारे नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़ होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स जो भी बाद में जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू करते चलिए और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिल करते जाइए, वो भी ज़रूरी है दोस्तों। सो अगर बीच में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं वो भी लेता जाऊँगा। Whether oil will be replaced with solar energy, depend, oil cannot be replaced by solar energy. आपका energy जो है solar energy किसी दूसरे के लिए, मतलब basically electricity generation के basis पे अगर आप देखोगे तो solar energy आप use कर सकते हो, but oil के जो requirements हम लोगों ने देखा है अलग अलग जगह पे आप use करते हो तो वो आपका crude oil ही use होगा। हाँ डेफिनेटली क्रूड ऑयल के जगह पे हम लोग अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। सो अल्टरनेटिव्स जो हम लोग देख रहे हैं वो व्हीकल्स के, इसमें हम लोग अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। मतलब आप फोर व्हीलर चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, उसका अल्टरनेटिव क्या है? गैस, CNG गैस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, LPG यूज़ हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, मतलब आप पेट्रोल और डीजल के अलावा किसी और फ्यूल के साथ अगर आप गाड़ी चला सकते हो वो आपका अल्टरनेटिव है। सो इंडिया में ज़्यादातर ऑयल जो है पेट्रोल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इसके अल्टरनेटिव्स पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। ये बुक जो है ये मैंने रिपोर्ट डाउनलोड किया है ओपेक से, उनके वेबसाइट पे जाके मैंने ओपेक का डाउनलोड किया है और वहाँ पे ये बहुत ही क्लैरिटी के बेसिस पे एक छोटे बच्चों को जिस तरह से समझाना चाहिए उस तरह से यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो काफ़ी यूज़फुल है। तो डेफिनेटली मैं आपको आगे जाके अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी
आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से वो डाउनलोड होता है। चलिए फिलहाल फिलहाल तो फ्रेंड्स हम लोग एक मिनट फ्रेंड्स, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको? सोलार एनर्जी तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। एकमजीत सिंह जी, सोलार एनर्जी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्रूड ऑयल को ही रिप्लेस करने में इतने सारे इतना टाइम लग गया हम लोगों को। बेसिकली कैसा है कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन तेल है, मार्केट में तेल बहुत ज़्यादा है, बट होता कैसा है कि तेल को एक्सट्रैक्शन कम खर्चों में तेल को कैसे निकाला जाए भूमि से, ग्राउंड से, वो मैटर करता है। तो कम खर्चों पे जो तेल आ रहा है, लाइट ऑयल हम लोग बात कर रहे हैं, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल, सो हैवी ऑयल का जो है उसका डिमांड मार्केट में नहीं रहता है। कारण कैसा है कि उसके अंदर जो है बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज रहते हैं उसको छाटने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी खर्चा लगता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो क्या कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है ये एक्सट्रैक्शन के लिए। सो कैपिटल इंटेंसिव जब रहता है कोई इंडस्ट्री तो वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, और दूसरा जो है उस पर खर्चा जो लगता है वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहले तो पता करो कि ऑयल फील्ड्स है कि नहीं है, वो पहला प्रोसेस है। उसके बाद ऑयल फील्ड्स मिलने के बाद इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी अगर अच्छी है, लाइट ऑयल है तो बहुत ही अच्छा है, अगर लाइट ऑयल नहीं है तो उसके बेसिस पे फिर वो चीज़ और दिक्कत हो जाती है। WTI जो है ये US का है, US यूनाइटेड स्टेट्स से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो वहाँ पे आता है WTI में। सो एक क्वालिटी है, डिफरेंट क्रूड ऑयल के मैंने आपको चार डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बोला है। WTI जो है वो वेस्टर्न टेक्सास से एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो ऑयल है वो है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ऑयल जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्रूड ऑयल वो वहाँ पे है। तो फ्रेंड्स एक साथ ही में ये एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ये भी आप फिल करते जाइए। और ये शायद बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिक लगे, बट ये चीज़ हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि एक्सप्लोरेशन जो है वो अपस्ट्रीम कंपनी कैसे करती है। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्शन में वंस ऑयल इज फाउंड उसके बाद होता कैसा है, अपस्ट्रीम कंपनी की बात हो रही है, स्टोरेज टैंक्स, अलग अलग स्टोरेज टैंक्स में इसको भरा जाता है, फिर ऑफ ऑनशोर ड्रिलिंग, तो ये होता कैसा है कि ये जो टैंक है इस टैंक से तेल जो है वो ऊपर खींच के पंपिंग, सो फिर यहाँ से फिर वो ऑफशोर, मतलब ये समंदर में भी आते हैं, ये समंदर में आते हैं, ये ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में भी आते हैं, अंडरग्राउंड में भी आते हैं, अंडरग्राउंड से है तो वो बाहर निकाल के वो ऊपर लेके आना पड़ता है। सो ड्रिलिंग पंपिंग ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं अपस्ट्रीम वालों के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर दिखता है, तो ये अपस्ट्रीम जहाँ ये नॉर्मल यहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड सी लेवल पे ये मिलता है। सो अंडरग्राउंड सी लेवल से ये ऑयल बैरल्स पूरे भरते हैं और यहाँ से फिर वो चीज़ जो है वो भेजा जाता है इंडियन ऑफशोर में, मतलब इंडिया या कोई भी कंट्री की बात करें वहाँ पे भेजा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे इन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देखोगे बहुत ज़्यादा रहेगा, मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। रिफाइनिंग, पहले तो हम लोगों ने अपस्ट्रीम देखा, एक बार अपस्ट्रीम आ गया तो बहुत सारे कंपनीज जो है वो एक्सट्रैक्शन में नहीं जाते हैं। सो एक्सट्रैक्शन में जाने वाले कौन है, डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, ये लोग रिफाइन करना शुरू कर देंगे, रिफाइनरीज में रहते हैं, रिफाइन करने के बाद उसके बाय प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके बाय प्रोडक्ट्स, तो धीरे धीरे सेपरेशन किया जाता है,
तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फिर उसके बाद केरोसिन बोलेंगे, अलग अलग कैटलिस्ट, मतलब कुछ कुछ, मतलब आप अगर ने आपने साइंस में पढ़ा होगा तो केमिकल एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो जब वो केमिकल एजेंट्स डाले जाते हैं तो उसमें कार्बन बाहर आता है, हाइड्रोजन बाहर आता है, केरोसिन अलग से जाता है, फिर पेट्रोल अलग से जाता है, फिर डीजल अलग से जाता है। तो इस तरह से आप देखिए अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग निकलता है। 20 डिग्री टेम्परेचर पे एलपीजी गैस निकलता है, 70 डिग्री टेम्परेचर पे गैसोलीन निकलता है, 120 पे नेफ्था, जेट फ्यूल 170 पे, डीजल 270 पे, फिर शिप के लिए 450, बिटुमिन के लिए 600। सो इस हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस जो, और ये रिफाइनरी जो है वो निकलता है। सो ये एक सिंपल तरीका है हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज के लिए, मैंने जैसे समझा कि ये चीज़ अगर हम लोग समझेंगे तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिफाइनरी, सो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है एक जगह से दूसरे जगह। तो काफ़ी केजी बेसिन हम लोगों ने रिफाइनरी देखा है, तो आंध्रा में कृष्णा वो एक उसमें एक्सट्रैक्ट किया था रिलायंस ने, तो वहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करता है। तो ये एक मेन चीज़ है। तो फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा था कि ऑयल एक्सट्रैक्शन और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज का पूरा प्रोसेस अलग है, तेल कैसे बनता है हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोग देखेंगे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है, एक इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है। और आज हम लोग आज का स्टॉक मार्केट भी हम लोग देखते हैं कि आज का स्टॉक मार्केट मार्केट कैसा था, तो ये पहले हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करते जाइए, आप फॉर्म फिल करना, आप देखिए रिलायंस अपस्ट्रीम भी है और रिफाइनरी है, दोनों करता है रिलायंस इंडस्ट्री। सो ये लोग अपस्ट्रीम कंपनी है और उसके साथ ये लोग रिफाइनरी भी करते हैं, और इसीलिए आप देखिए अपस्ट्रीम कंपनीज के बहुत कम ऐसे कंपनीज हैं जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, जिन आप देखो ओएनजीसी का कोई ऐसा पेट्रोल पंप जैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो ओएनजीसी से जो है वो पहले एक्सट्रैक्ट करेगा बस, उसके अलावा बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, गैस की बात करो आप और फिर बाकी क्रूड ऑयल से जो बाय प्रोडक्ट्स है वो सारे चीज़ जो है वो दूसरे कंपनीज को मार्केटिंग करता है। एचपी, एक एचपी आप देखो, बीपी आप देखो, इंडियन ऑयल देखो आप। सो ये कंपनीज जो है वो ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, ये रिफाइनरी में जुड़ते हैं, और इसीलिए आप देखोगे इनके कंपनीज के जो है पेट्रोल पंप है। सो आप गैस भी आप यूज़ करोगे तो बीपी, एचपी, आईओसी गैस, हम लोग गैस सिलेंडर जो यूज़ करते हैं घर पे वो यही है, मतलब ये बाय प्रोडक्ट्स है। तो जो भी कंपनीज जो है मार्केटिंग कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो सभी लोग ये ऑयल, पेट्रोलियम, क्या केरोसिन, डीजल, एलपीजी गैस, तो यहाँ पे ये सब मार्केटिंग के लिए ये लोग हैं, इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनको बोला जाता है। तो ये है मेन थिंग। चलिए इसके अलावा मैं आज मार्केट का थोड़ा सा एक आउटलुक भी दे देता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट का बेसिकली ऑयल एंड गैस के बारे में और थोड़ा सा जानकारी देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा मार्केट में। तो ये आप देखो मार्केट का पूरा आज ओवरऑल पूरा देखोगे आप, ऑटो, एनर्जी और सीपीएससी इंडाइसेस निफ्टी के, ये ही सब, बाकी सब प्लस में है, ये तीनों ही नेगेटिव में आए हैं, तो ये मेजर है। तो निफ्टी 50 का क्या पॉइंट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, तो इस पॉइंट पे हम लोग आके देखेंगे। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉइंट ये चल रहा था कि ये मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाना था, वो ये एक रिवर्सल कैंडल था, और 2 दिन पहले हम लोगों ने जो मंडे को देखा है, मंडे का रैली, हम लोगों को पता चला कि ये गैप अप से स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक अपवर्ड रैली दे सकता है। कल का थोड़ा सा जिटरी लगा मुझे मार्केट, कुछ न्यूज़ भी हम लोगों को ऐसे देखने को मिले कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, बट यहाँ पे आप देखो
ये एक यहाँ पे मैंने दो लाइन बना के रखे हैं, तो ये दो लाइन में से एक लाइन ऐसा है कि दोनों रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंट पॉइंट जो है ये कल मार्केट ने टेस्ट किया है, सो ये एक रेसिस्टेंस हम लोग लेके चलते हैं करीबन 15,915 का पहला रेसिस्टेंस है और 15,900 का दूसरा रेसिस्टेंस है। बट आज जो मार्केट जो क्लोजिंग आई है वो 15,878, सो यहाँ से करीबन कुछ 20-22 पॉइंट्स ही दूर है, ये हम लोग देखेंगे। सो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पिछले जो हाईज बने हैं वही मेरे रेसिस्टेंस है और कुछ नहीं है। ये हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करने वालों को सबको आइडिया होगा, यदि आपको आइडिया नहीं है मैं आपको ये थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से आप देखिए यहाँ मार्केट नहीं आया और यहाँ से ऊपर चला गया। सो ये सपोर्ट हम लोगों को बहुत अच्छे से है, ये ग्राउंड सपोर्ट है और मार्केट जो है इस कैंडल से डेफिनेटली वो एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कितना लंबा चलेगा ये नहीं बता सकते हैं, बट डेफिनेटली ये जो है इतने फॉल के बाद जब भी आपको ऐसा हैमर दिखेगा ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये इसके बाद कल का जो दो दिन पहले जो देखा, कल का थोड़ा सा मैंने जैसे बना था यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी में रहेगा, कितना फास्ट ये ऊपर जाएगा वो अलग बात है, पर ये दो जो रेसिस्टेंस है इन दोनों रेसिस्टेंस को एक लंबे कैंडल के साथ इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आज जो हुआ है, आज हम लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट शफल हुआ है, तो कैबिनेट शफल का शायद वो एक इंडिकेशन है, मार्केट शायद इसको एक्सेप्ट करे, अच्छा लगे मार्केट को। तो कल यदि अगर मार्केट जो है गैप अप से ओपन होता है तो ये आप एक थोड़ा सा अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद कल के दिन ये एक गैप अप से ओपन हो जाए और उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिविटी चाहिए रहती है मार्केट को। और यहाँ पे एक और इंक्लिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट जो मिला है, ये तो मिला ही है, एक दूसरा जो है ये RSI 60 के ऊपर है। जब भी RSI 60 के ऊपर रहता है मार्केट हमेशा अच्छा करता है। तो मार्केट का आप देखिए, मैं ये आँख बंद करके ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट से आप देखिए, इस पॉइंट से यहाँ से तो ऊपर जा ही रहा था, बट इस पॉइंट से आप देखिए जितना भी टाइम तक ये ऊपर था, यहाँ इस लेवल तक आप देखिए और यहाँ से भी आप देखिए, थोड़े पॉइंट के लिए नीचे चला गया, बट इतने पॉइंट तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ही था। तो इस पॉइंट ये कब का है, 14,900, और ये कब का पॉइंट है, ये 14,850। सो इतना रैली आपको मिला कब मिला, कि जब आपका ये जो है 60 के ऊपर गया। पिछले इसमें हम लोग देखेंगे, पुराने इसमें भी आप देखो, यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया 14,480 और यहाँ तक आ गया, ये थोड़ा सा फॉल हुआ, तो डेफिनेटली ये अपने को कैंडल्स देखने थे, पैरेलली कैंडल्स और RSI दोनों को हम लोगों को क्रॉस चेक करना है। तो आप देखिए जैसे ये फॉल हुआ तो ये सपोर्ट भी नीचे टूट गया, ये सपोर्ट नीचे गया, फिर इस हिसाब से मार्केट चला गया। ऐसे आप बैक टेस्टिंग करके देखिए तो जब भी ये 60 के ऊपर जाता है आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको देगा। तो ये डेली चार्ट्स है, ये पहले हम लोग डेली चार्ट्स है, तो डेली चार्ट्स के साथ आप पुराने अगर देखोगे हायर टाइम फ्रेम्स के साथ देखोगे तो वीकली भी है 60 के ऊपर और मंथली भी है 60 के ऊपर। सो ये एक स्ट्रेंथ बताता है, मतलब कितना लॉन्ग टाइम के लिए, कितने देर के लिए आपका जो है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप मंथली के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से तो मार्केट तो पूरा ऊपर ही है, एकदम से ऊपर ही जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपने टाइम फ्रेम जो देखना है टेक्निकल चार्ट्स में, मंथली ही देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मंथली आपको स्ट्रांग दिखा आप इन्वेस्टमेंट कर लो, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं चलो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से मैं मार्केट में एंटर करूँगा, तो डेफिनेटली ऐसे चार्ट्स देख के आपको एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट आप प्लान करके देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक कन्विक्शन आएगा मार्केट के
कैंडल्स को देख के ही आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हो के मार्केट में ये डायरेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई 100% इतना नहीं बोल सकता कि ऐसे ही होगा, बट जैसे जैसे आप देखोगे तो मार्केट्स आपको कुछ बताते हैं, मतलब बेसिकली और कुछ नहीं है, कैंडल्स आपको स्टोरी बताता है, प्राइस है, प्राइस ही मोमेंट है, तो प्राइस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ये आपको कैंडल का पैटर्न आपको काफ़ी कुछ बता देता है। तो ये स्ट्रांग कैंडल है, सो स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, तो आप देखिए इस प्राइस से जो ख़त्म हुआ अगले दिन उसी प्राइस से ये स्टार्ट हुआ है और वहाँ प्राइस से अगले लेवल तक चला गया, तो कल अगर प्राइस यहाँ से खुल के फिर से ऊपर जाता है और एस गैप अप से ऊपर होता है, सो ये स्ट्रांग सिग्नल है मार्केट का कि ये थोड़ा सा रैली जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मार्केट्स को एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स। धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं सेशन को आगे लेके चलता हूँ, आप थोड़ा सा फॉर्म फिल करते जाइए, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सेशन के साथ आप फॉर्म फिल करते जाइए। अटेंडेंस शीट ज़रूरी है बीएससी के सेशन के लिए, क्योंकि नॉलेज बेस्ड है, तो कितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं और हर एक पर्सन जो भी सेशन अटेंड कर रहा है सबके लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इन सेशन को थोड़ा सा सपोर्ट दें और नॉलेज पर्पस के लिए है। सो यहाँ पे आ गया, सो डेफिनेटली ये एक इंडिविजुअल पॉइंट है, हम लोगों को खुद को देखना है। स्मॉल कैप राजीव सिंघा जी, आपने पूछा स्मॉल कैप पे क्या व्यू है, तो स्मॉल कैप डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं वो आपको बताऊंगा, बट डेफिनेटली पिछले काफ़ी टाइम से स्मॉल कैप और मिड कैप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहे हैं, बट यहाँ से मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा अच्छा सा परफॉर्म करेंगे। जब भी एक बुल रैली जब शुरू होती है सो आपका परफॉर्मेंस जो है वेटेज जो है मार्केट का स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा बनाता है, तो धीरे धीरे आप देख सकते हो। मैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की चार्ट्स भी मैं बताता हूँ, आपको और फर्दर क्लैरिटी मिलेगा कि किस हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप आगे जा रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट्स तो डेफिनेटली मुझे अपर साइड ही लगते हैं, प्रोवाइडेड कुछ बहुत ही गलत न्यूज़ आए, बट यहाँ से मुझे कुछ लगता नहीं है। ऑयल एक इशू वाला सिचुएशन है डेफिनेटली, बस बट उसका कैसा है कि इंडिया एज अ कंट्री उसके हाथ में कुछ नहीं है, ग्लोबल सिनेरियोस अगर उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो एक इशू वाला पॉइंट ही है। तो ये बेसिस पे हम लोग आगे देखते हैं, आपका जो क्वेरी था रजीव जी हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स जो भी सेशन से जुड़ रहे हैं थोड़ा सा आप टाइम निकाल के आप फॉर्म फिल करते जाइए, काफ़ी यूजफुल है पॉइंट्स और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अभी हम लोग स्मॉल कैप के बारे में देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा हल्का सा फॉल हम लोग देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है। एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद ये आप देखो पूरा का पूरा जो बियरिश एंगल्फिंग बन गया, इस को पूरा का पूरा इसने कवर कर लिया, फिर ये जो है इसका क्लोजिंग नीचे की तरफ हुआ है। तो अगले एक दो सेशंस थोड़ा सा देखेंगे, यदि इस लेवल से अगर ऊपर क्लोज नहीं होता है तो थोड़ा सा बियरिश ही हम लोग देखेंगे। एक तो स्मॉल कैप का इंडेक्स हम लोग देखेंगे 8721 एक है और 8735, सो 8721 और 8735 ये इंडेक्स ये दोनों लेवल्स पे से ज़्यादा ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ही रह सकता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे स्मॉल कैप। बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये मुझे स्ट्रेंथ ही दिख रहा है, यहाँ पे RSI 60 स्ट्रेंथ ही दिखा रही है। वेट करते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे मोमेंटम जो है एकदम से पॉजिटिव में है। आप RSI लेवल देखोगे 76, सो अभी तक तो 80 के ऊपर गया नहीं है स्मॉल कैप। ओके,
इवन 91 तक गया है सितंबर में पिछले साल, तो ये आप देख सकते हो। तो टर्न अराउंड हम लोग अभी इतने जल्दी हम लोग नहीं देखेंगे स्मॉल कैप का, बट यहाँ से तो ये RSI तो मुझे बता रहा है। बट बेसिकली हम लोग को ये समझना है कि RSI को देख के स्टॉक ये प्राइस नहीं बनता है, प्राइस के मूवमेंट को देख के RSI बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखता है कि थोड़ा सा बेरिश शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, देखेंगे वेट करेंगे। अगर ये कैंडल जो है, आप कोई भी पोजीशन अगर लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और एंट्री पॉइंट जो है यहाँ अगर आप लेते हो ये और ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। मतलब नॉर्मली हम लोग ब्रेकआउट जो बोलते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये लेवल पे और ये लेवल पे आप एंटर कर सकते हो, और ये आपका जो है आप ये इस कैंडल का मेरा ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर इसके ऊपर मार्केट जितना ऊपर गया तो पोटेंशियल जो है आपका, बट इस पोजीशन इस जगह पे आप कोई स्मॉल कैप के बारे में अगर आप देखोगे, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का अलग अलग चार्ट बनता है, बट इस इंडेक्स की बात अगर करते हैं तो थोड़ा सा मुझे बियरिश बनता दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा आउटलुक है मिड कैप के, स्मॉल कैप के बारे में। तो मिड कैप देखेंगे, सो मिड कैप में 150 लूँगा, सो 150 में चलिए ये तो अच्छा है, ये तो एकदम प्लस में ही दिखा रहा है, पॉजिटिव है मिड कैप। सो डेफिनेटली मिड कैप तो मैं पहले से ही हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं बात करता हूँ, बट यहाँ पे भी आप देखिए अच्छा है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं हो रहा है मेरे तरफ से, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से दिख रहा है चार्ट्स को देखकर, तो उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया मिल रहा है। बट यहाँ पे चार्ट्स को देखकर मुझे तो ये एक बुल सो चलेंगे, एक बड़ा कुछ नेगेटिव जैसा नहीं दिखा है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट ले चुका है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। बट पॉइंट कहाँ पे रुकेगा आपको मैं वो भी बता देता हूँ कहाँ है ये लेवल्स टेस्ट करने वाला है। डेफिनेटली ये एक रेसिस्टेंस दिखाएगा आपको, मार्केट 10,353 है ये लेवल्स, तो ये लेवल्स तो डेफिनेटली टेस्ट करेगा आपका। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जब कल का मार्केट खुलेगा तो इस लेवल से अगर ये इस 10,353 से अगर ऊपर क्लोज होता है तो थोड़ा सा हम लोग, और इस तरह से बड़ा कैंडल बनना चाहिए, इस तरह से बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए। कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक करना है तो इस तरह से कैंडल ही ब्रेक करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखियो, ये देखिए यहाँ पे आप बन रहा है, और ये जो ब्रेक हुआ ये भी बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ। तो इस तरह से जो है पैटर्न्स जो है बेसिकली वो बुल्स और बियर्स इस हिसाब से हावी होते हैं मार्केट में। तो फिलहाल तो ये ऊपर ही जाने की इसमें है, बट रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पॉइंट को डेफिनेटली टेस्ट करेगा। देखते हैं आगे किस तरह से मिड कैप भी जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कुछ और सर फर्म भी बताना। चल बिल्कुल सुनील जी, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, फॉर्म बिल्कुल फिल नहीं हुए फ्रेंड्स। रात के सेशन में डेफिनेटली थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे 25 लोग हैं हम लोग, 32 लोग इस सेशन को लाइक दे चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों को हमेशा देखना है कि गूगल फॉर्म्स हम लोग फिल कर लें, और फिल्स करने के बाद सेशन का अप्रिशिएट किए। हर एक सेशन का एक यूनिकनेस है और उसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए। सुनील जी मैं आपको बताता हूँ, और इसके बाद एक दो पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, और उसके बाद हम लोग सेशन का क्लोज करेंगे। तो इस बीच में आप जितने भी फॉर्म्स फिल कर सकते हो, 32 लोग हैं फ्रेंड्स, 32 तो फॉर्म आने ही चाहिए। 30-35 लोग हैं और 32 फॉर्म भी नहीं आए तो फिर फार्मा देखेंगे, निफ्टी फार्मा देख रहे हैं हम लोग। निफ्टी फार्मा देखिए, निफ्टी फार्मा तो ये तो डार्क क्लाउड बना दिया है, तो ये थोड़ा सा बियरिश आ गया। ये एक आप देखो, ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, तो ये सपोर्ट अगर टच करता है, और ये सपोर्ट अगर टच करता है तो ये एक और कैंडल पैटर्न्स तो मुझे बताते हैं कि
फार्मा इंडेक्स थोड़ा सा बियरिश जोन में आ गया है, और ये भले ही यहाँ पे हम लोग को आरएसआई दिख रहा है बट कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से ये लेवल्स ज़रूर टच करेगा। तो वेट करके देखते हैं ये सपोर्ट लेवल 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए जब भी मार्केट नीचे आता है तो ये इस लेवल से टच होके फिर से ऊपर जा रहा है, सो 20 डेज इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से देखते हैं ये कितना नीचे आ सकता है। बट ये सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज कलेक्ट करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों को मैटर करेगा। और एक और चीज़ भी आप समझिए कि ये ऑल टाइम हाई, तो मैं आपको बता ही रहा था कि जब भी मार्केट जो है वो एकदम से हाई लेवल्स पे जाता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल्स जो है टेस्ट करते ही ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो है ये एक नया हाई पॉइंट हो गया इस इंडेक्स के लिए। तो ये हाई पॉइंट अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये अगर मैं रेसिस्टेंस अगर ड्रॉ करता हूँ, तो जब मार्केट अगली बार जब इस लेवल से यहाँ अगर मान के चलते हैं इसको सपोर्ट, इस सब ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है तो इसको टच करके अगर जब फिर से ऊपर बाउंस करेगा तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो रेसिस्टेंस कर सकता है, या तो फिर कंसोलिडेट हो सकता है या तो फिर इसको ब्रेक करेगा, दोनों में से एक हो सकता है। तो अभी के लिए तो डेफिनेटली फार्मा थोड़ा सा डाउन है, भले ही आज वो मार्केट ऊपर है बट इसको थोड़ा सा आप ध्यान देके इसकी एंट्री पे ध्यान दीजिए, कंपनीज कोई भी हो सकते हैं आपके। चलिए, और भी कोई सवाल है फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो, और एल्स मैं दूसरे पॉइंट पे मैं फोकस करता हूँ आज के डेट पे। तो एक और न्यूज़ आया है ऑयल के रिलेटेड, एक और न्यूज़ आया है ऑयल रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी में स्लिप ऑन ओपेक डेडलॉक्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे मैं हम लोग ऑयल का इतना देख रहे हैं तो ओपेक बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टिंग कंट्रीज के बारे में ये बोलता है, ओपेक मतलब वो है। सो इन कंपनी ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है फिलहाल, तो प्रॉब्लम ये है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, सो कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली डिमांड कितनी है, डिमांड के हिसाब से मेरा सप्लाई आ रहा है क्या। तो अगर वो मिसमैच नहीं हो रहा है, अगर सही में मुझे डिमांड है और मैं सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो होता कैसा है कि सप्लाई बढ़ाना ज़रूरी रहता है। और ये एक नॉर्मली कैसा है कि ये ऑयल जो है इसमें ये डोमिनेंस है, जब हम लोगों ने अभी देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्रूड ऑयल से है, तो डेफिनेटली इसका दबदबा तो रहेगा ही। और हम लोगों को पता है यूएस इराक जो हुआ था, तो वो जो 1990 में जो वार हुआ था वो स्पेसिफिकली ऑयल फील्ड्स के लिए ही हुआ है। ये देखिए, देयर सीम्स टू बी लिटिल एस्केप फॉर इंडिया फ्रॉम द फ्यूल फ्यूरी इन द नियर टर्म एज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन बिटवीन टू कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट थ्रेटन्स टू कीप ऑयल प्राइसेस बॉइलिंग एंड सऊदी एंड यूरिया लॉन्ग कंसिडर टू बी क्लोज एलाइज फील्स आउट टू रिसेंट ओपेक प्लस मीटिंग स्टीलिंग द ऑयल कार्टेल्स प्लान टू टेक ए कॉल इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ ओपेक एंड पुशिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। सो मिडिल ईस्ट ये बोल रहा है, एक थॉट प्रोसेस है, और सऊदी अरेबिया और यूएई का एक अलग थॉट प्रोसेस है। तो ये मीटिंग नहीं होने के वजह से हम लोगों ने देखा है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 70 से एकदम से 77 तक आ गया। सो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये पूरे आर्टिकल में क्या बता रहे हैं, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। द फेलियर ऑफ द ओपेक प्लस मिनिस्टर्स टू हैमर आउट ए डील ऑन मंडे सेंस ये 77 तक चला गया है, और मेकिंग द पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पाथ वेरी स्लिपरी पर्टिकुलरली फॉर ए कंट्री सच एज इंडिया विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड इन डॉलर्स फ्रॉम इन द वर्ल्ड। आप देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाला कोई देश है तो इंडिया है। ये तो डेफिनेटली ऑयल पे इंडिया का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो डिफरेंट ब्रोकर्स प्रेडिक्ट दैट अनलेस ए क्विक सोल्यूशन इज अराइव्ड एट क्रूड ऑयल प्राइजेस में सर्च टू एस आई एस 90। सो ये जैसे मैंने कल बात किया था 70 का एक नॉर्मल रेंज है, और यहाँ पे आप देखिए इंडियाज क्रूड परचेज कॉस्ट हैज ऑलरेडी गॉन टू 60।
सो इंडिया 60 से 60 में खरीदता है और उसको रिफाइनरी ये सब करते 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 उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इंडिया में अगर एक्सट्रैक्ट होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कम हुआ करता था, बट इंडिया जब परचेस ही इस इतने हैवी प्राइस से अगर करेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करेगा। तो पेट्रोल प्राइसेस सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हो क्रूड ऑयल प्राइसेस, और कल हम लोगों ने कुछ डेटा में भी देखा है कि इंपोर्ट जो है इंपोर्ट बिल्स में क्रूड ऑयल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 170% से क्रूड ऑयल का जो है बिल बढ़ा है इंपोर्ट पे। तो ये बिल अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली भले ही हम लोग एक मान के चलो 1 लाख बैरल्स अगर इंडिया इंपोर्ट करता है, तो अभी भी अगर 1 लाख बैरल्स अगर इंपोर्ट करेगा तो जो 60 रुपये मार्केट में जो 70 था वो अगर 90 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है $20 पर बैरल जो है वो ऑटोमेटिकली बिल बढ़ा देता है। सो 20% मतलब 30% पहले ही हमारा 170 है वो 200 221 220 या 230 तक वो बिल बढ़ा देता है। तो इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमी पे। तो वो यही बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, हायर पंप प्राइस को फर्दर स्ट्रोक इन्फ्लेशनरी प्रेशर दैट हैज ऑलरेडी बिल्ट इन द सिस्टम एंड सीरियस अंडरमाइनिंग द सेंटर्स एफर्ट टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी अनलेस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स एंड आउट ऑफ टर्न डिसीजन टू कट फ्यूल टैक्सेस विच एट द मोमेंट लुक्स अनलाइकली। जैसे यहाँ पे ये इतना बड़ा बेसिकली आपको पता होगा पिछले साल टैक्सेस बढ़ाए गए क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स में, बाय प्रोडक्ट्स में। तो उसमें आप एलपीजी देखो, उसमें आप पेट्रोल देखे, उसमें आपको डीजल भी दिखा है। तो ये तीनों चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ाने की वजह से आप प्राइसेस जो देख रहे हो आज 1 लीटर 100 रुपये ऊपर के चला गया है। सो ये इनडायरेक्टली हुआ कैसा, ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इन्फ्लेशन पे। मतलब डीजल का रेट बढ़ गया, आप उसका मतलब समझते हो, डीजल का रेट अगर बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स कौन यूज़ करते हैं, ट्रक्स, ट्रक्स के वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सो ट्रक्स अगर डीजल यूज़ करेगा तो डीजल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, जब डीजल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो वो ट्रक इस जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वो भी अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देगा और एमआरपी उसका बढ़ा देगा। अगर सब्जी वगैरह जैसी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो डेफिनेटली उसका प्राइस तो बढ़ेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडिया को, क्रूड ऑयल जो है धीरे धीरे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, अहेड ऑफ द लेटेस्ट राउंड ऑफ ओपेक प्लस मीटिंग इंडियाज पेट्रोलियम मिनिस्टर आई ट्राइड टू परसुएड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज टू मॉडरेटली सर्च क्रूड ऑयल प्राइसेस बट दिस प्लाई सीम्स टू हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स ऑफ ये रिफ्यूज टू बल्ज। तो बेसिकली इस पूरे एक्टिविटीज को रिफ्यूज करने वाले कौन है, सऊदी अरेबिया और यूएई। सो ये बेसिक है, ये आप देख सकते हो। बट वॉट प्रिवेंटेड द ओपेक ग्रुप विच इंक्लूड्स नॉन ओपेक सच एज तो मूविंग अहेड विद द प्रीडिटरमेंट ऑयल आउटपुट प्रोसेस एट द हार्ट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी। सो बेसिकली प्रोडक्शन पे बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक इसके ऊपर एक रिपोर्ट आने वाला है 15 जुलाई को। सो 15 जुलाई को लेटेस्ट डेटा मिलेगा हम लोगों को। एक्चुअली मैं ये डेटा मैं आज आपको बताने वाला था। तो ये डेटा जो है ये पिछले इस महीने का है, 10 जून 2020 का है, ओपेक मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट। सो ओवरऑल आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कमोडिटी मार्केट्स किस स्पेस में है, ऑयल क्रूड ऑयल प्राइसेस किस मूवमेंट से चल रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, ऑयल डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कौन कर रहा है क्या है, सारे चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं। बट ये पिछले महीने का है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, इसलिए मैंने सोचा ये 15 जुलाई को एक नया रिपोर्ट आता है, ऑयल मार्केट रिपोर्ट। मैं वो रिपोर्ट हम लोग और अच्छे से देखेंगे और उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में कैसे पड़ सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स आप एक एक करके फॉर्म फिल करते जाइए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा रहेगा।
रोहन जायसवाल सर जी, आई कैन फिल फॉर्म, प्लीज़ बता दीजिए कि फ्यूचर में भी केमिकल अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन सा सेक्टर नेक्स्ट गुड रन अप देगा। मैंने रोहन जी हमेशा मेरे सेशन में मैं हमेशा सेक्टर्स का व्यू देता ही रहा हूँ। आईटी मैंने बोला है अच्छा रहेगा, फार्मा मैंने बोला अच्छा है, आज मैंने बताया है कि मिड कैप अच्छा रहेगा, स्मॉल कैप अच्छा रहेगा। मैं हमेशा आपको इंडिकेशन देता हूँ, बेसिकली एक ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री मूवमेंट करवा सकता है। रोहन जी आप बेसिकली फॉर्म फिल कीजिए, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। केमिकल्स परफॉर्मेंस बेसिकली कैसा है कि केमिकल्स कौन से प्रोडक्ट पे यूज हो रहा है, मतलब आप केमिकल्स बोल के आप ये केमिकल चलेगा ये हम लोग आग बंद करके नहीं कर सकते हैं, बट उस केमिकल का इम्पोर्टेंस कौन से प्रोडक्ट्स में यूज होता है। सो मेन प्रोडक्ट की तरह जिससे यूज हो रहा है कि जस्ट एक बाय प्रोडक्ट की तरह से यूज हो रहा है। अगर मेन प्रोडक्ट्स केमिकल अगर यूज होता है तो उसका वेटेज जो है बढ़ जाता है। तो ये मैटर करता है कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन से केमिकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे बहुत सारे केमिकल कंपनीज जो है लिस्टेड भी हो रहे हैं। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं एक एक कंपनी का आईपीओ भी अभी आने वाला है या आएगा, तो उसके हिसाब से सो बेसिकली मैं तो आईटी के बारे में मैं बात कर ही रहा था। आईटी एक अच्छा सेक्टर है, लॉन्ग टर्म आपको देख सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अभी स्ट्रेस में है बट डेफिनेटली बैकबोन है। कल मैं जब इंडेक्स का एक पोर्टफोलियो बता रहा था तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का रैली भी शुरू हो गया है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। मैं जो जो चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ सारे चीज़ का इम्प्लीकेशन आप देख सकते हो, इम्पैक्ट इंडस्ट्री इम्पैक्ट वहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैंने आईटी का एनालिसिस किया था, आईटी का थोड़ा सा कुछ कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से ट्रैक करके वो आगे चले गए उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सो इंडस्ट्री का जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो काफ़ी सारा इम्पैक्ट करता है। सो ये हम लोग ऑयल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज समझा है और उसके बेसिस पे हम लोग आगे देख रहे हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा हमारे इकोनॉमी पे। तो ओवरऑल जो है मैं किसी एक इंडस्ट्री को मैं ये नहीं बोलूँगा, बट कैसा है कि कुछ कुछ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं, कुछ इंडस्ट्री कैसा है कि टाइम लगता है, बट धीरे धीरे आप मेटल्स में भी देख सकते हो। मेटल्स एक अच्छा है जहाँ पे वो डेफिनेटली अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। आज हम लोग देखेंगे तो मेटल्स ने काफ़ी अच्छा किया है, खासकर स्टील की बात करते हैं। स्टील कंपनीज जो है चार पांच स्टील कंपनीज ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, करीबन 3% 4% से आज क्लोज अप ज़्यादा ऊपर में क्लोज हुआ है। ओवरऑल जो है आईटी एक अच्छा है, ये रिकमेंडेशन वाला सेक्शंस नहीं कर, नॉर्मली एटलीस्ट मैं ये रिकमेंडेशन वाला जो है इस पर्टिकुलर सेशंस में मैं करना नहीं चाहूँगा। फ्रेंड्स धीरे धीरे आप फॉर्म तो फिल कर लीजिए, फ्रेंड्स ये मैंडेटरी है। मैं हमेशा सभी जो भी अटेंड कर रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स, 30 लोग हैं, 38 लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। 38 लोगों में से एप्लीकेशन फॉर्म 38 भी नहीं आए होंगे तो फिर कैसा रहेगा फ्रेंड्स। 38 तो डेफिनेटली आप एक एक करके फॉर्म तो फिल कर लीजिए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत से सुन रहे हो तो उसका एक हिस्सा तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप पूरा कर सकते हो। ये मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्योंकि आपको बहुत कुछ कुछ जगह पे शायद बहुत बेसिक लगा होगा, अरे ऑयल के बारे में इतना ज़्यादा क्यों देखे, बट कैसा है कि हम लोग को पहले समझना चाहिए कि तेल क्या है, तेल कैसे बनता है, प्रोडक्शन क्या है, कौन से कंपनीज इन्वॉल्व रहते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देखा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का जो जो डिपेंड है वो हमारे इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी की रिकवरी पे इम्पैक्ट हो सकता है, इस तरह से बात हो रही है। तो डेफिनेटली हो सकती है क्योंकि मेजर इम्पोर्ट जो है और किस तरह से बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो ये ऑयल प्राइसेस का जो इश्यू है ये जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस वॉस अबाउट 10 मिलियन बैरल्स पर डे फॉर अबाउट 22% ऑफ द रेफरेंस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल कार्टन। However, as different countries started rolling out vaccination program and commercial, but Brent crude started climbing steadily.
ये देखिए, ये सेंस द ग्लोबल डिस्पैरिटी अबाउट स्टैंड्स, तो ये देख रहे हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना डिमांड है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या बोलते हैं कि नहीं और हम लोग वेट करेंगे। और ये मेन जो है ये सऊदी अरेबिया और यूएई, दो यूएई एग्रीड दैट देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम अगस्त, इट ऑब्जेक्टेड टू डू ए कंडीशन दैट द नेक्स्ट टू ईयर्स प्रोडक्शन एग्रीमेंट बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो बेसिकली प्रोडक्शन जो है ये लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑयल एक्सट्रैक्ट करते ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज को। सो हर एक कंट्री का एक एक एग्रीमेंट रहता है। होपफुली इंडिया का एक डायरेक्ट एग्रीमेंट है ईरान से, वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में वो अलग चीज़ है, बट डेफिनेटली इंडिया का सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, फॉर इंडिया विच हैज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड इट्स स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड स्पेंड बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन इम्पोर्टिंग क्रूड, तो अभी तक जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब यूटिलाइज हो गए हैं और बहुत सारा बिलियन ऑफ डॉलर्स को भी इम्पोर्ट में लगा चुके हैं। बट ओपेक डेडलॉक कैन होल्ड इट्स रिजेंट इकोनॉमी फॉर रैनसम गिवन द पार्लर स्टेट ऑफ द एक्सचेंज, इट्स डिफिकल्ट टू गवर्नमेंट टू लोअर सेंट्रल टैक्स, टैक्सेस कम करने के चांसेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप एक रुपये कट का मतलब ये एक रुपये जो कट है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में, तो करीबन 13,400 करोड़ का जो है उतना नुकसान होगा गवर्नमेंट को अगर ये टैक्सेस कट करते हैं पेट्रोल और डीजल पे, विच वुड बी बोर्न बोथ बाय द स्टेट एंड सेंट्रल विद द कंट्री नीडिंग मनी टू रिबिल्ड द इकोनॉमी मोल्डेड बाय द, ये देखिए तो हुआ कैसा, अगर ये टैक्सेस में कमी हो गई, हम लोगों ने जीएसटी का देखा, जीएसटी के नंबर्स पिछले हफ्ते कम हो गए, पिछले महीने कम हो गए, पेट्रोल से अगर पैसा नहीं आता है, डीजल से अगर पैसा नहीं आता है, तो आपने अगर बजट देखा होगा तो बजट में उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि दो जगह से पैसे मार्केट से इन्होंने बेसिकली टैक्सेस बढ़ाए हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा जो है पेट्रोल और डीजल, ये दोनों जगह से लोगों को पैसा बेसिकली टैक्सेस की तरह से लिया गया है और बिल्स के बेसिस पे लोगों ने कलेक्ट किया है, तो ये एक रेवेन्यू उन्होंने मेंटेन किया है, बाकी सब जगह पे उन्होंने छूट दे दिया, पर ये दो ऐसी जगह से जहाँ से उनको पैसा मिलता गया, और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई जीएसटी का भी इन्वेस्टमेंट आता गया, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जुड़ गई है। तो ये एक फाइनेंशियल, यहाँ पे अगर इनकम अगर कम हो जाता है तो इकोनॉमी रीबिल्डिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ये बताई जा रही है। तो ओवरऑल आपको ये इसका ओवरऑल एक संक्षिप्त में हम लोग अगर जब देखेंगे तो इसका अनुमान ये है कि मैं अगर इंडिया की बात अगर मैं करता हूँ तो इंडिया में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ओपेक कंट्रीज़ का जो डिसीशन है सप्लाई साइड में, ये बढ़ते अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं मार्केट में, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और डेफिनेटली क्रूड ऑयल डॉलर और करेंसी ये सब चीज़ें इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग ऑलमोस्ट सेशन के क्लोज में आ गए हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा फॉर्म फिल कर लीजिए और सेशन को थोड़ा सा मैं देखता हूँ तो कितने लोग जुड़े हैं फ्रेंड्स अभी तक, 38 लोग हैं, 41 लोग आ चुके हैं, फॉर्म्स फिल कीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत कम नंबर्स पे आए हैं, और ये नॉर्मली होता भी है, थोड़ा सा दिक्कत भी होता है क्योंकि इतने समय रात को 9-10 बजे काफ़ी कम लोग थोड़ा सा भी मतलब बेसिकली हर कोई मार्केट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट का स्टोरी सुनना चाहते हैं, मार्केट अगर बढ़ता है तो डायरेक्टली हाँ ये क्यों बढ़ रहा है, वो इस अच्छे से आपका बैक स्टोरी पता होना चाहिए, मतलब पिक्चर कैसे बनती है वो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता चल गया पिक्चर इस तरह से बनती है और इस तरह से पिक्चर बनने के वजह से पिक्चर के हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप उस पिक्चर को वो स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दोगे रादर देन आउटकम। सो हमेशा प्रोसेस, क्रिकेट में भी हम लोग सुनते हैं कि प्रोसेस होना ज़रूरी है, रिजल्ट्स तो आते रहेंगे बट अगर आप प्रोसेस अच्छा करते हो, रेगुलरली आप प्रोसेस को देखते हो, तो इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट होता है कि हम लोग किस तरह से उसको उसका आउटकम भी अच्छा रहेगा। अगर फॉर्म फिल करने का अगर वो आइडिया आपको बिल्कुल पता नहीं है
तो सबसे पहले मैं इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ। ये सेशन जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। रीज़न क्या है? बीएससी एजुकेशन स्प्रेड करना चाहता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, अलग अलग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और अलग अलग इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉलेज बिल्कुल नहीं है और उनको ये नहीं समझता है कि सही में ये न्यूज़ मेरे इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट करेगा क्या। सो नॉलेज ड्रिवन सेशंस के लिए ये बीएससी आईपीएफ का जो है सेशंस किया जाता है, ये पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि ये जो सेशन हुआ है इसका एविडेंस बीएससी सभी को दिखाता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो वो एविडेंस के हिसाब से वीडियो तो डेफिनेटली गूगल में दिख ही जाएगा। बट अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करोगे, तो जब ये सेशन लाइव चल रहा था इतने सारे लोग इस सेशन के साथ जुड़े थे और उस सेशन के जुड़ने के वजह से इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया और वो फॉर्म फिलिंग एक एविडेंस है कि हाँ इतने इन्वेस्टर्स ने नॉलेज गेन किया है इस सेशन के थ्रू, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका प्रूफ पहले हम लोग ये सेशंस फिजिकली लोकेशंस पे जाके हम लोग सेशन करते थे, जो भी सेशन अटेंड करता था उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा के उनका बेसिकली मोबाइल नंबर और नाम लिया जाता था, ईमेल आईडी लेते थे हम लोग। लोकेशन तो हम लोगों को पता था कि इस लोकेशन से है, तो लोकेशन का स्पेसिफिकेशन वहाँ पे नहीं आता है, बट यहाँ पे किस लोकेशन से आप जुड़ रहे हो हम लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आप गूगल फॉर्म में आप जाके देखोगे तो गूगल फॉर्म में आपको क्या दिखेगा, ये आपके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और किस जगह से आप जुड़ रहे हो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। और एक और चीज़ मैं सभी जो भी इन्वेस्टर सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये जो एप्लीकेशन हम लोग जो देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन में जो डेटा आप दोगे, ये डेटा कहीं पर मिसयूज़ नहीं होगा। आप इसको अच्छे से समझिए, ये मिसयूज़ नहीं होता है ये डेटा। आपको कुछ ब्रोकर से फोन नहीं आएंगे, अगर यदि आया तो भी सेबी की तरफ से आएगा, क्या आपने ये सेशन अटेंड किया है या नहीं। बस एक वेरिफिकेशन आ सकता है, वो भी अभी तक मैंने जितने भी इन्वेस्टर्स के मैंने सेशन किए हैं उसमें से किसी को फ़ोन नहीं आया है। बट यदि जेन्युइनिटी चेक करने के लिए अगर सेबी फ़ोन करता है तो डेफिनेटली फ़ोन करेगा, बस उनके अलावा और कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा। तो ये आप अच्छे से समझ जाइए। थैंक यू बलवंत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। होपफुली कनिका जी आपको ये फॉर्म फिल करने का उद्देश्य मैंने बता दिया है, नॉलेज ड्रिवन सेशन है। अगर ये फॉर्म फिल नहीं होते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन ऐसा है कि ऐसे टॉपिक्स आप बिल्कुल मत लीजिए, इस पे अवेयरनेस और लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप ऐसे सेशन मत कीजिए। नॉलेज एजुकेशन प्रोग्राम है। अनिश जी थैंक यू, आप हमेशा जुड़ते हो तो आपके लिए शायद नई चीज़ नहीं होगी अनिश जी, बलवंत सिंह जी, बट बहुत सारे लोग नए पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है एक्चुअली कि इस पूरे एक्टिविटी का मेन उद्देश्य क्या है। सिर्फ नॉलेज है यहाँ पे, टिप्स हम लोग नहीं देते हैं, आपको नॉलेज चाहिए, पूरा इंडस्ट्री आउटलुक चाहिए, आपको मार्केट आउटलुक चाहिए, हम लोग वो आपको देंगे। एक कंपनी को कैसे चुनने चाहिए, कंपनी को कैसे हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, वो सब नॉलेज देंगे। आप ये नॉलेज को ध्यान में रख के आपने हर एक चीज़ नोट करके देखिए, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, मैं अगली बार जब इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा या चाहूँगी तो मैं इन पॉइंट पर ध्यान दूंगा। तो डेट फ्री कंपनीज पे आप चुनिए, डेट फ्री कंपनीज है तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, वो सारे चीज़ हम लोग आपको दे रहे हैं। कंटिन्यूसली हमारे सेशन, हर दिन हमारे 5 सेशंस होते हैं, 4 सेशंस होते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस में, कुछ नॉलेज, कुछ फंडामेंटल व्यूज हम लोग कवर करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट्स यूज करते हैं, तो ये सब पॉइंट्स पे हम लोग का पूरा जो सेशन होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कोई हम लोग इन्वेस्टर से पैसे आप कंट्रीब्यूट कीजिए इसके लिए आपको फ़ोन हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सिर्फ प्योर एंड प्योर नॉलेज है। बीएससी मनी बी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये पूरा श्रेय जाता है दोनों इंस्टीट्यूशंस को, ताकि
लोग एजुकेट हों, गलतियां कम करें, क्योंकि मैं हमेशा अपने सेशंस में भी मैं बताता हूं कि मार्केट में गलती करने का मतलब है पैसा गंवाना, और वो पैसा कम गंवाना चाहते हो तो ये सेशंस में आपको बार बार आना ज़रूरी है, हर सेशन में आपको जान आना ज़रूरी है, हर सेशन में आपको फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। और नॉर्मली मेरे सेशंस में हमेशा मैं इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, आप पेन और पेपर के साथ बैठिए, बी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट की तरह से आइए सेशन में, सुनिए, सुन के आप फिल कीजिए क्या क्या बताता हूँ, हर चीज़ आप नोट कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, अच्छा लगा इम्प्लीमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डेफिनेटली दूसरा कुछ आपको जो पसंद आता हो उस पर आप वर्क करके कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, शायद मैंने जो चीज़ मैंने समझाना चाहा डेफिनेटली, थैंक यू हनीश जी, आपको लगता है कि नॉलेज ही चाहिए, टिप्स नहीं चाहिए, तो मैं अपने जितने भी सेशंस को मैं देखता हूँ तो टिप्स को मैं अवॉइड करता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं अवॉइड करता हूँ। इसलिए इसके पहले मिस्टर रोहन जी ने भी कुछ एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में एक दो बार उन्होंने पूछा, तो मैंने हमेशा अवॉइड किया है, तो शायद रोहन जी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे होंगे, बट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, नॉलेज से आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज इम्प्रूव होगा तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा, ये स्टॉक में जाना ही नहीं चाहिए, ये स्टॉक में जाना चाहिए, तो वो क्लैरिटी से अगर आप बढ़ोगे तो डेफिनेटली किसी पे ज़्यादा आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो वो उद्देश्य हम लोग करेगा। तो यहाँ पे हमारे टीम में जो है मिस्टर शैलेश सर, जो है शैलेश सर के थ्रू ही आपको ये जो भी स्क्रीन पे दिखता है सब शैलेश सर ही यहाँ पे दे रहे हैं, तो उनका बैक एंड पे बहुत ज़्यादा रोल रहता है, यहाँ पे आप उनका नंबर भी देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, देवेंद्र जी थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली ये सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। होपफुली फ्रेंड्स जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4750 तक आ चुके हैं, सब आप फॉर्म फिल कीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। आप मैं तीन ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स जो भी मेरे सेशन में आए, एक नॉलेज के लिए स्टूडेंट की तरह बनिए, स्टूडेंट बन रहे हो तो आप पेन और पेपर के साथ आइए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ये मेरे सेशंस में आओगे या कोई भी सेशन में आओगे, ये गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है, और मार्केट की चीज़ों को पूछिए कमेंट्स के थ्रू, जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतना अच्छा आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इंडेक्स का ऑल टाइम चार्ट ऊपर ही करा है, व्हाई पीपल आर टॉकिंग मार्केट इज़ वेरी रिस्की, मार्केट रिस्की इसलिए होता है कि आप ऊपर के लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेसिकली इम्पैक्ट हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट कितना ऊपर जाता है। मैं धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा आगे जाके, काफ़ी समय भी हो गया फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कल के सेशंस में हम लोग और बात करेंगे। सर एक बात और, कल ऑटम मोटर्स ने कहा कि सेमी कंडक्टर्स की शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड, हनीश जी मैं ये आखिरी सवाल लेता हूँ, टाटा मोटर्स का सेमीकंडक्टर्स का इम्पैक्ट आया है, बट उन्होंने इमीडिएटली आज ये बोला है कि जैगवार का सेल्स बहुत मैटर करता है टाटा मोटर्स के लिए, सो यदि चिप्स के वजह से इशू है तो प्रॉब्लम है, ये हम लोगों को दिख रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये प्रॉब्लम के साथ भी हम लोग हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो इसके वजह से आपने देखा होगा टाटा मोटर्स में आज एकदम से रिफ्लेक्शन आया, मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई। तो डेफिनेटली कल और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मैं टाटा मोटर्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ आऊँगा, और बहुत सारी 9 बजे का हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट्स के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे रादर देन अदर थिंग्स, तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्यों हो रहा है, ये बदलाव वो बदलाव, सो उस एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे, और सारे सेशंस हम लोग उसी बेसिस में हम लोग करना चाहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप जितने भी लोग जुड़ रहे हो थैंक यू वेरी मच, बार बार काफ़ी सारे नाम तो मैं हर दिन देखता हूँ, जितने भी बार मैं सेशन करता हूँ हर दिन मुझे दिखते हैं, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, नॉलेज को बढ़ाते जाइए, मार्केट में एक नॉलेजेबल पर्सन बनाते जाइए फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन फॉर्म 50 लोग हैं, 50 लोगों में से हम लोगों ने अभी भी फॉर्म फिल नहीं किया, फॉर्म के ऊपर ही मेरा 10-15 मिनट का सेशन ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। तो नॉलेज चाहिए कि इतना बड़ा लेक्चर चाहिए? सर ये क्या कर रहे हो आप, इतना बड़ा लेक्चर दे चुके हो,
सेशन एप्लीकेशन के बारे में ये सब बात कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। आइडियली बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, बट आइडियली फॉर्म्स आप फिल कीजिए, इम्पॉर्टेंट है पूरे सेशंस के लिए, और अवेयरनेस क्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ में हम लोग ये खरीदो वो खरीदो ये सब तो होते रहता है, बट नॉलेज के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, कितने लोगों को साथ में लेके जा रहे हो वो ज़रूरी है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। देखिए 2 लाख 2.5 लाख लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है ऐसे इन्वेस्टर्स को जो चाहते हैं कि नॉलेज बढ़ाते जाए। ये ना कि ये कंपनी अच्छा है यहाँ पे खरीद लो, ये मेरे लिए अच्छा है ये आप देख सकते हो, वो मेरे लिए अच्छा है वो आप देख सकते हो, ऐसे व्यूज दूर रहो। ये इंडस्ट्री ऐसा है, जैसे ऑयल के बारे में हम लोगों ने बात किया, अपस्ट्रीम कैसा चलता है, डाउनस्ट्रीम हम लोगों ने कैसा चलता है, इसके बाद अगला स्टेप हम लोगों ने क्या देखा कि ओपेक का इंफॉर्मेशन कितना इम्पैक्टफुल है हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी रिवाइवल की बात हो रही है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझिए, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी गहराइयों को समझिए। तो ऑयल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि हमारे ऑयल बिल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा आपके एंड से हमेशा फॉर्म फिल करते जाइए। थैंक यू देवेंद्र साधु जी, थैंक यू हनीश जी, थैंक यू बलवंत सिंह जी, थैंक यू। जब तक शॉर्ट सेलिंग पर रेस्ट्रिक्शन रहेंगी तब तक तो मार्केट डाउन नहीं आएगी, देखते हैं हनीश जी, और उसके ऊपर और थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए देवेंद्र, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सभी जो भी जुड़ रहे हैं, इतने रात तक हम लोग सेशन करते हैं, आप भी जुड़ रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हो। पर एक बात ऐसा है कि जब भी आप जुड़ोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए गूगल फॉर्म्स, और उसके साथ आप सेशन में एंटर हो जाइए। तो यहाँ पे 56 लोग हैं, 56 लोग का फॉर्म आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन जो भी जुड़ रहा है, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।